हाँ जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पे। और आज हम जिस मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करेंगे उसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जो कि है दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की मूवी, जो कि अप्रैल 12 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। इसका थिएटरिकल रिलीज नहीं है, मतलब ये थिएटर्स के अंदर रिलीज नहीं होगी, सीधा और सीधा नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जाएगी। देखिए, अमर सिंह चमकीला एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर एक बहुत ही मशहूर सिंगर थे अमर सिंह चमकीला, जो कि लुधियाना से आते थे। पहले कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, उसके बाद फिर वो म्यूजिक के अंदर आए, लेकिन 27 साल की उम्र में उनको असैसिनेट कर दिया गया उस टाइम पे इसके दोबारा, क्योंकि अमर सिंह चमकीला का नाम जुड़ता था ऐसे गानों को लेकर। उन्होंने ऐसे गाने लिखे और गाए जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाने उन्होंने गाए। हालांकि वो पंजाब के अंदर बहुत ही लोकप्रिय थे और बहुत ही लोकप्रिय सिंगर के रूप में उभर रहे थे उस टाइम पे। अगर मैं कहूं कि पंजाब के अंदर सारे शो अमर सिंह चमकीला के नाम से बुक होने लगे थे तो वो गलत नहीं होगा। और कई लोगों का ये भी मानना है कि उस टाइम पे जो बड़े सिंगर थे उन लोगों को अमर सिंह चमकीला का ऐसे फेमस होना रास नहीं आ रहा था, वो उसे खार खाने लगे थे, यानी कि वो उससे चिढ़ने लगे थे। और कुछ लोगों का ये मानना है कि अमर सिंह चमकीले का जो असैसिनेशन हुआ वो उसके जो ऑपोजिट सिंगर थे उन लोगों ने करवाया। देखिए, अमर सिंह चमकीले का नाम उस समय पे बहुत बड़ा नाम था पंजाब के अंदर, जैसे कि आजकल कई लोग अमर सिंह चमकीला को सिद्धू मूसेवाला के साथ कंपेयर करते हैं। और एक चीज तो दोनों में कॉमन है कि सिद्धू मूसेवाला और अमर सिंह चमकीला दोनों का असैसिनेशन हुआ। सिद्धू मूसेवाला की आयु 29 वर्ष थी जबकि अमर सिंह चमकीला 27 वर्ष के थे। अमर सिंह चमकीला के साथ उनकी वाइफ गाया करती थी, जो कि उनकी सेकंड वाइफ थी, जिसका नाम था अमर ज्योत, जिसका भी असैसिनेशन उसके साथ ही कर दिया गया था, यानी कि दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया गया था। देखिए, जो गर्म ख्याली लोग हैं वो अपनी इस असैसिनेशन को जस्टिफाई भी करते हैं। उनका मानना था कि अमर सिंह चमकीला बहुत ही ज्यादा गंदे और अश्लील गाने गाया करता था और उसको पहले वार्निंग दी गई थी, जिसकी कि अमर सिंह चमकीला ने एक बार उनके पास जाके माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी उसको असैसिनेट कर दिया गया। कि जहां तक फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक बायोपिक है अमर सिंह चमकीला, जो कि लुधियाना से आते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर बनी हुई ये फिल्म है। तो ये फिल्म काफी ज्यादा जो है लोगों को पसंद आने वाली है पंजाब के अंदर, और शायद पंजाब के बाहर भी ये लोगों को पसंद आए। पर मुझे नहीं पता क्यों इसका थिएटरिकल रिलीज नहीं किया गया, इसको सीधा नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज किया जा रहा है अप्रैल 12 को। और जहां तक बात करें इसके डायरेक्शन की, तो इम्तियाज अली ने इसको डायरेक्ट किया है। और हम लोग जानते हैं कि इम्तियाज अली ने जब वी मेट रॉक स्टार और लव आजकल जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्शन किया, और उनका पंजाब से लगाव भी बहुत पहले से है, तो ये मूवी भी उनके करियर की एक बेहतरीन मूवी साबित होगी। इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसके अंदर इम्तियाज अली ने दिलजीत दोसांझ की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला बनके इस फिल्म की शूटिंग की है और वो बिल्कुल ही अमर सिंह चमकीला के काफी ज्यादा करीब इस करेक्टर को प्ले कर पाए हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थी, और इम्तियाज अली की ये तारीफ वाली बातें सुनके कि अभी दिलजीत दोसांझ की सिर्फ शुरुआत है, वो बहुत आगे तक जाएंगे और जहां भी वो जाएंगे इम्तियाज अली उनके साथ खड़े रहेंगे, ये तारीफ सुनके दिलजीत दोसांझ की आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि जो अमर ज्योत रोल है वो परिणीति चोपड़ा ने किया है। चलो, रोल उन्होंने किया है वो कोई बात नहीं, लेकिन परिणीति चोपड़ा ने अमर ज्योत ने गाए हुए गाने भी गाए हैं। हम लोगों ने देखा है कि अभी परिणीति चोपड़ा का पहले एक कंसर्ट हुआ था, जिसके ऊपर बहुत सारा बैकलैश परिणीति चोपड़ा को झेलना पड़ा था, क्योंकि परिणीति चोपड़ा ने उसमें अच्छी गायकी नहीं प्रस्तुत की। हम लोग जानते हैं कि या तो आप एक सिंगर हो या फिर आप एक नॉन सिंगर हो, जो सिंगिंग की बारीकी है और खास करके ठेठ पंजाबी सिंगिंग जो है वो कुछ ही लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। तो परिणीति चोपड़ा को इस मूवी के अंदर अमर ज्योत जो गाने हैं वो गाने उनको भारी पड़ सकते हैं, उनको बैकलैश मिल सकता है जी। बाकी मूवी जो है पंजाब से रिलेटेड है और पंजाब के अंदर ही शूट की गई है और बहुत ही बढ़िया लोकेशंस के अंदर शूट की गई है। और जहां तक बात करें दिलजीत दोसांझ के लुक की, तो उनका लुक भी बहुत ही रिफ्रेश है और बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक दिलजीत दोसांझ को किसी ने बिना दस्तार के यानी बिना पगड़ी के नहीं देखा है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा उनके करियर के लिए भी, क्योंकि इसके बाद हो सकता है उन्हें ऐसी पिक्चरें और भी मिलनी स्टार्ट हो जाएं जहां पे उनको दस्तार के बिना अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने का मौका मिले। बाकी
आपको जी ये रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो करिए इसको थम्स अप, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।